हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील दुधाळा या गावामध्ये मुस्लिम फकीर समाजाचे 25 कुटुंबाला घर मिळत नाही। हम फकीर हैं, मन के खाने आले, फिर वो 40 घर में हमार को 30 लोगों को घर को लाए नहीं, अभी तक लाभ मिला नहीं। हम गरीब लोग आए करके खाते, इधर उधर से लाते भीख मांग के यहाँ खाते। मेरा आदमी जाता बाहर को मंगने के वास्ते। क्या करने के वास्ते? बाहर जाते उन मंगने के वास्ते जाते, हम मंग के ला के खाते ना, हम गरीब लोग का ही ना। अब घर में चिक्कड़ हुआ, चूल्हा नहीं सिलगाने आता, पकाने नहीं आता, खाने नहीं आता, जलाना अच्छा जलाना रखने को घर नहीं, कहाँ ये करने को नहीं, तो बच्चा को नहीं। संडास की तो इतनी तकलीफ है, 100 बार उठना पड़ता, 100 बार। कहाँ जाते? कहाँ इधर ही जाते, जगह से नहीं है, जगह से नहीं है जाने को। ये आदमी गया कि ये खाता, ये गया कि ये खाता। अभी तक हमार कोई स्कीम पहुंची नहीं, हमार तक घर कुल नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, अभी हमारे पास तक आई नहीं। ग्राम सेवक सरपंच क्या बोलते है, ना रहे तो देहू तुम्हाल अरे और देहू ग्राम सभा की जरूरत है, तो हमको मालूम ही होता क्या हमारा कौन निर्णय लेना। बुलाते नहीं क्या ग्राम सभा में? नहीं, वैसा और तक नहीं बुलाते, ग्राम सभा उधर ही होती, उधर का उधर क्या क्या करते वो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा। आज तक लाभ मिला नहीं मेरे। आम्ही पूर्ण सर्वे 70 घराचा सर्वे केलेला आहे आणि नवीन यादी पाठवलेली आहे घरकुलासाठी। अच्छा। राहिलेले सर्व महिल्यातले मुस्लिम समाज आहे, त्यांना प्रत्येक त्यांच्या ते लाभार्थ्याला संधीपासून आम्ही वंचित ठेवणार नाही। आमचे प्रयत्न चालू आहेत घरकुलासाठी, सर्व काही काम करण्यासाठी गावातले। खाना क्या, रखना क्या, पीछे घर गिर रहा हमारा, घर बन कैसे बनना, घर बनने को पैसा नहीं। सरपंच के पास बोले गए तो बोलता सरपंच की दे तू, दे तू घर को, सरपंच देता नहीं ना, ग्राम सेवक देता नहीं। ग्राम सेवक के पास गए हम, लिख के दिए, फाइल डाले, सरपंच को भी जाके बोले दे तू बोल रहा। तीसरी पीढ़ी चल रही हमारी, अभी हमारे को कुछ लाभ मिला नहीं, घर कुल दिए नहीं, कहीं का लाभ नहीं हमारे को सरकारी। घर में कितने आदमी है तुम्हारे? 10 आदमी है। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? आज रोज मजदूरी करते हैं, कुछ बच्चे हैं खाने, बच्चे सीखने को जाते हैं। अरे ये पढ़ ले, आप ये रहा था काम कैसे रहा है चाहूँ दी, पढ़ ले दो आता, दोन पीढ़िया तीन पीढ़िया होता आया, हम से घर से मानस ही समझे गए ले मात्र थे, ये घर कुल नहीं ना कहीं नहीं। शासन ज्या योजना राबवतात ते कागदपत्रीच असतात, खऱ्या गरिबापर्यंत मिळत नाहीत। म्हणून मला असं वाटते की दुधाळ या गावातील जे मुस्लिम समाज फकीर समाज भीक मागून खातो अशा कुटुंबाला शासनाने घरकुल योजना देण्यात यावी, यासाठी प्रकल्प संचालक हिंगोली येथील यांच्या नंबरवर कॉल करून दबाव आणावा। यासाठी त्यांचा नंबर आहे 0246522761। मी राधिका, हिंगोली जिल्ह्यातून, महाराष्ट्र राज्यातून, इंडिया ऑन हॉटसाठी।